Hi everyone, welcome to School of Intrinsic Compounding. Today I'm your host and trainer Ishmohit Arora, and I'll be talking about the importance of free cash flow and why cash is considered to be the king. So guys, हमने बहुत सुना है कि free cash flow देखना चाहिए, free cash flow देखना चाहिए, and free cash flow की क्या importance है. तो इस वीडियो में हम dive deep करेंगे and end में हम दो lessons लेके जाएंगे कि free cash flow की अहमियत क्या है और कौन कौन सी companies में free cash flow को हमें use करना चाहिए for analysis. Right? So let's begin with it. So why are businesses with free cash flow highly valued? That's the question. So the answer is businesses which generate high free cash flow can do the following. Jin businesses ke paas bahut zyada high free cash flow hota hai, wo following cheeze kar sakte hain. Kya cheeze kar sakte hain? Wo zyada dividend de sakte hain. Dusri cheez wo kya kar sakte hain? Wo acquisition zyada kar sakte hain. तीसरी चीज वो ज्यादा क्या कर सकते हैं, वो शेयर बायबैक कर सकते हैं. एंड चौथी चीज वो ज्यादा क्या कर सकते हैं, वो अपने बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो. बस फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला ही क्या है, तो जो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकालते हैं, जो बेसिकली हमारा कैश प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं और उसमें से अगर हम केपेक्स माइनस करते हैं, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हमारे पास फर्म का फ्री कैश फ्लो आ जाता है. तो फ्री कैश फ्लो मेरे को बेसिकली क्या बताता है कि अपने फैक्ट्री एंड प्लांट पे खर्चा करने के बाद शेयर होल्डर्स के पास कितना पैसा रह गया. दैट इज व्हाट फ्री कैश फ्लो टू फर्म टेल्स मी, कि फर्म के पास कितना पैसा रह गया अपनी फैक्ट्री और प्लांट पे खर्चा करने के बाद. एंड फ्री कैश फ्लो क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमें कंपनी की एक एबिलिटी बताता है कि कंपनी कितना डिविडेंड दे सकती है, कंपनी उस पैसे की एक्विजिशन भी कर सकती है फ्यूचर में, कंपनी उस पैसे से शेयर बायबैक भी कर सकती है. आजकल हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि आईटी कंपनीज जो हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज जैसे इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस एटसेट्रा, तो ये सारी कंपनीज काफी ज्यादा शेयर बायबैक कर रही हैं, क्योंकि ये शेयर बायबैक इसलिए कर रही है कि इनके पास कोई री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है फ्री कैश फ्लो का. तो ये उस फ्री कैश फ्लो को यूज करके अपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स घटाते जा रहे हैं, जिससे इनका ईपीएस बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे. तो दिस इज वॉट दे आर डूइंग, एंड फ्री कैश फ्लो इज वेरी हाईली वैल्यूड. सपोज करते हैं कि आप एक बिजनेस करते हैं एंड आप हर साल बिजनेस के एंड में 100 रुपए कमाते हैं, पर हर साल जब आप 100 रुपए कमाते हैं बिजनेस के एंड में, कोई आपको आके कहता है कि आपके कंपेटिटर ने तो एक और दुकान लगा ली, तो आपको भी उस 100 रुपए की दुकान लगानी पड़ेगी एंड आप भी 100 रुपए की वापस दुकान लगा लेते हैं, तो क्या आपके बिजनेस के पास कुछ फ्री कैश फ्लो बचेगा उस साल? शायद से नहीं. बट अगले साल क्या होता है, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्री कैश फ्लो आने वाला है, क्योंकि अभी तक मैं 200 रुपए की दुकानें लगा चुका हूँ 100-100 की. तो अगले साल लेकिन क्या हुआ कि जो आप चीज बेचते थे उसका मार्जिन एकदम नेगेटिव हो गया, तो उसकी वजह से आपका फ्री कैश फ्लो फिर नहीं आया उस साल. तो ऐसे बिजनेसेस हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में काफी सारे हैं. जो एक शुगर का बिजनेस है, चीनी का बिजनेस जिसको हम कहते हैं, दैट इज अ सिमिलर बिजनेस. ये अगर आप उसमें कैपेसिटी एक्सपैंड नहीं करते और कंपेटिटर एक्सपैंड कर लेते हैं, तो आपकी फर्म के पास कोई फ्री कैश फ्लो बचने ही नहीं वाला. एंड जिस साल आपके पास फ्री कैश फ्लो बचने वाले, उस साल शुगर का मार्जिन ही इतना ज्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि वो एक कमोडिटी है जिसको हम चीनी कहते हैं, वो इतना ज्यादा वॉलेटाइल, इतना फ्लक्चुएट कर गया कि आपकी कंपनी लॉसेस में चलेगी. तो ऐसी फर्म को कभी मार्केट वैल्यूएशन भी नहीं देती, राइट? तो लेट्स कम टू व्हाट जेफ बेजोस हैज टू से. तो जेफ बेजोस कहते हैं कि परसेंटेज मार्जिन्स आर नॉट वन ऑफ द थिंग्स वी आर सीकिंग टू ऑप्टिमाइज. Is the absolute dollar free cash flow per share that you want to maximize. And if you can do that by lowering margins, you would do that. Let's understand the reason behind why Jeff Bezos is saying this, right? He's the owner of Amazon.com, which is the world's most valuable e-commerce startup, right? So let's start calculating and let's see why he says this. Let me just use the pen. So what he's trying to get at is ki, remember guys, in the last video we talked about your return on invested capital. Ab return on invested capital mein do cheeze hoti hai. Pehla hota hai aapka margin and dusra aapka kya hota hai, capital turnover. Ki aap kitna ek sale, aap kitni sale kar pa rahe hain ek unit ka paisa laga ke. That is your capital turnover. CTR likh dete hain yahan pe. तो मार्जिन माने आपका कि आप कितने रुपए में, आप कितने परसेंटेज ऊपर रख रहे हैं अपने कॉस्ट से. एंड कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपका क्या है बेसिकली, कि अगर आप 1 रुपए का कैपिटल लगा रहे हैं तो आप 1 रुपए के कैपिटल पे कितने रुपए की सेल कर पा रहे हैं. तो जेफ बेजोस बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर हम मार्जिन लो भी कर लें,
अगर हम अमेज़न प्राइम जैसी चीजें निकाल के अगर मार्जिन बहुत लो भी रख लें एंड अगर हम उसकी वजह से कैपिटल टर्न ओवर रेशियो बहुत ज्यादा कर लें तो भी हम फ्री कैश फ्लो मैक्सिमाइज कर लेंगे पर शेयर। तो इसके पीछे की एक रीजनिंग समझते हैं। अमेज़न रिटेल के बिजनेस में है एंड रिटेल के बिजनेस में लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर जीतता है। तो अमेज़न की क्या स्ट्रैटेजी है कि वो लोवेस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन अचीव करना चाहता है थ्रू लोवेस्ट मार्जिन पॉसिबल। वो मार्जिन बहुत कम रखेगा एंड वो कैपिटल टर्न ओवर रेशियो पे ज्यादा फोकस करेगा। रिसेंटली मेरे एक पेंट्स के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात हुई थी जो नॉर्थ इंडिया के लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं बोशर पेंट्स के। तो उन्होंने भी मुझे कुछ ऐसा बताया कि पेंट्स कंपनी जो है वो आपको मार्जिन बिल्कुल भी नहीं देती, 3-4% के आसपास मार्जिन है। पर जो आपका कैपिटल टर्न ओवर रेशियो है वो आपका 4-5x के आसपास है, 3-4-5x के आसपास। तो इसकी वजह से अगर आपका 4% मार्जिन भी और अगर आपका 4% कैपिटल टर्न ओवर रेशियो है तो आपकी ROIC 16% के आसपास आ जाती है। ROIC क्या है? बेसिकली आपका ROIC मींस जो आप अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पे पैसा कमाते हैं। एक बार हम ROIC और फ्री कैश फ्लो के बीच का कनेक्शन जोड़ेंगे इस वीडियो में। लेट्स गेट टू द कन्वेंशनल फॉर्मुलेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ FCF फर्स्ट, कि फॉर्मूला ही क्या है फ्री कैश फ्लो का। तो फ्री कैश फ्लो के दो फॉर्मूलाज हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है फ्री कैश फ्लो का? वैसे हम फ्री कैश फ्लो बैलेंस शीट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बट नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो वाला मेरे को फॉर्मूला थोड़ा सा ज्यादा पसंद आता था क्योंकि इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस कम है। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, माने जो आपका बिजनेस कैश कमा रहा है, जो एक्चुअली में कैश आ रहा है, दैट इज योर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस द केपेक्स। व्हाट इज केपेक्स? कैपेसिटी एक्सपेंडिचर। तो इसके बाद आपके पास क्या बचते हैं? फ्री कैश फ्लो टू अ फर्म। सपोज करते हैं आपने इस साल 100 करोड़ कमाए एंड अब 100 करोड़ में से आपने 20 करोड़ की दुकान लगा दी कौन नहीं, तो आपके पास फर्म के पास फ्री कैश फ्लो कितना बचेगा? 100 करोड़ माइनस 20 करोड़ जो आपने दुकान लगाई, आपके पास 80 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो बचेगा फर्म के पास, जिसका फर्म यूज करके कुछ भी कर सकती है, एक्विजिशन कर सकती है, स्टॉक बायबैक कर सकती है, अगर अगले साल री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फर्म उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकती है। राइट, दीज आर द काइंड ऑफ कंपनीज विच आर हाईली वैल्यूड बाय द स्टॉक मार्केट। कमिंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ फ्री कैश फ्लो, दैट इज योर फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। इसमें क्या होता है, आप फ्री कैश फ्लो टू फर्म लेते हैं जो आप हमने पहले कैलकुलेट करा था, उसमें आप जो नेट बोरोइंग है उसको जोड़ देते हैं। नेट बोरोइंग माने कि जो आपकी ग्रॉस बोरोइंग माइनस आपने जो इंटरेस्ट इस बारी रीपे कर दी है, दैट इज योर नेट बोरोइंग। एंड नेक्स्ट थिंग इज योर यू माइनस द इंटरेस्ट, जो आपका बेसिकली इंटरेस्ट परसेंटेज है वो आप इसमें से माइनस कर देते हैं कि आप कितना ब्याज दे चुके हैं इस बारी। तो इससे आपके पास फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी आ जाता है एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज लीवर्ड फ्री कैश फ्लो, मतलब बिना लेवरेज वाला फ्री कैश फ्लो, लीवर्ड फ्री, इसे लेवरेज से हमने फ्री कर दिया है। एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी हमें बेसिकली बताता है कि शेयर होल्डर्स के बीच में कितना पैसा बढ़ सकता है। आई थिंक दोनों के बीच के फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है, बट आई थिंक इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फ्री कैश फ्लो रादर देन आर्ग्यूइंग अपॉन विच फॉर्मूला टू यूज और विच वन नॉट टू यूज। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड फ्री कैश फ्लो एंड व्हाई इज इट लिंक्ड टू योर ROIC, दैट इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। लेट्स स्टार्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो लेट्स सी, सो देर आर टू कंपनीज, वन इज कंपनी ए एंड द सेकेंड वन इज कंपनी बी। So your company A earns a return on invested capital of 50%, right? माने कि अगर मैं उस business में अगर 10 रुपए डालूंगा तो 10 रुपए पे मैं 5 रुपए कमा लूंगा, right? This is what ROIC means. Company B के केस में क्या है, अगर मैं उस business में 10 रुपए डालूंगा तो 10 रुपए के मैं सिर्फ 50 पैसे कमाऊंगा, right? तो company B के केस में कुछ ऐसा है। तो एक बार हम देखते हैं कि इस business में हमें क्या देखना चाहिए। Just a second, guys. Now, let's create a situation ki both the companies have to grow their earnings by 5%. Agar dono companies ko apni earnings 5% se grow karni hai, right? To company A ke case mein dekhte hai ki company A ko kitna reinvest karna padega. Maane agar company A ke paas agar 100 rupaye ka capital hai dhande ke andar, to usko kitna capital reinvest karna padega? 100 रुपए की अगर सपोज करो अर्निंग्स है उसको 5 रुपए से बढ़ाने के लिए।
क्योंकि 100 रुपए का कंपनी के पास कैपिटल पड़ा है इस टाइम पे, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ इज इक्वल टू आरओआईसी इनटू योर री इन्वेस्टमेंट रेट। तो माने अगर कंपनी ए का आरओआईसी 50% है जो हमने देखा, राइट, कंपनी ए का आरओआईसी कितना है 50%, एंड उसको कितना री इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू गेट टू 5% अर्निंग्स ग्रोथ, द आंसर इज क्लोज टू 10%। आंसर इज क्लोज टू 10%। माने अगर ये 50% आरओआईसी वाली कंपनी सिर्फ 10% अपने कैपिटल का भी री इन्वेस्ट कर देगी तो उसकी अर्निंग्स ग्रो कर जाएंगी 5% से, राइट। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द एग्जांपल ऑफ कंपनी बी। तो कंपनी बी का आरओआईसी ही 5% के आसपास है, राइट। तो कंपनी बी 5% कमाती है अपने सारे कैपिटल पे, तो कंपनी बी को कितना री इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने 5% अर्निंग्स ग्रो करने के लिए। तो कंपनी बी के केस में कंपनी बी को पूरा का पूरा 100% कैपिटल री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट, जिसकी वजह से एंड में कंपनी बी के पास 0 रुपीज का फ्री कैश फ्लो रह जाएगा, राइट। तो एक बार ये इसका एग्जांपल देखते हैं, लेट्स लुक एट द एग्जांपल। सो कंपनी ए अगर 100 रुपीज का कैपिटल है जस्ट नीड्स टू री इन्वेस्ट 10 रुपीज टू ग्रो एट 5%, सो उनका फ्री कैश फ्लो जो बच जाएगा दैट इज क्लोज टू 90 रुपीज, एंड अगले साल ही फ्री कैश फ्लो भी बढ़ने वाले क्योंकि आप 5 रुपए से अपनी अर्निंग भी बढ़ा रहे हैं, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल ऑफ कंपनी बी। तो कंपनी बी को कितना री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी बी सिर्फ 5% कमाती है अपने कैपिटल पे, कंपनी बी को पूरा का पूरा अपना कैपिटल ही री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट, टू री इन्वेस्ट जस्ट आर एस 100 रुपीज टू ग्रो एट 5%। तो 100 रुपए का कैपिटल का पूरा 100 का 100 वापस री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कंपनी बी का जो फ्री कैश फ्लो है वो 0 रुपीज के आसपास रह जाएगा। तो गाइज कौन सी कंपनी को ज्यादा वैल्यूएशन मिलेगा, कंपनी ए को या कंपनी बी को? बहुत आराम से सोचिए इस क्वेश्चन को एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिए कि विच कंपनी वुड गेट मोर वैल्यूएशन। जिस कंपनी के पास 90 रुपए का फ्री कैश फ्लो बच रहा है क्योंकि उसका आरओआईसी 50% है, या फिर जिस कंपनी बी का आपका 0 रुपीज का फ्री कैश फ्लो बच रहा है क्योंकि उसका आरओआईसी सिर्फ 5% है, राइट। तो बहुत सोच समझ के इस वीडियो को रिवाइंड करके प्रेजेंटेशन देख के डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि कंपनी ए का वैल्यूएशन ज्यादा होगा या कंपनी बी का वैल्यूएशन ज्यादा होगा, राइट। नाउ कमिंग टू वन मोर डाउट इन टर्म्स ऑफ फ्री कैश फ्लो, दैट देयर इज अ वेरी कॉमन डाउट इन फ्री कैश फ्लो कि बैंकिंग के केस में हम फ्री कैश फ्लो क्यों नहीं देखते। सो द सिंपल आंसर इज दैट बैंक्स में, बैंकिंग का धंधा क्या है, बैंक्स में यू हैव टू गिव आउट मनी, आप पैसा देते हैं बाजार में, आप लोन देते हैं, आप लोन लेते भी हैं बट आप लोन देते भी हैं, राइट। तो मनी आउटफ्लो भी काफी ज्यादा होता है, तो बैंकिंग के केस में आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ही नेगेटिव होता है, इस वजह से बैंकिंग में हम फ्री कैश फ्लो नाम की चीज नहीं देखते। लेट्स लुक एट बैंकिंग में, ये HDFC बैंक का मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट खोला है, यहाँ पे अगर मैं CFO को खोल दूँ तो यहाँ पे मेरे को पता लगेगा कि इनका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कुछ 44,497 करोड़ का है, राइट। बट इनका लोन एडवांसेस देखते हैं कुछ 1,76,000 करोड़ के आसपास का लोन एडवांस दिखा रखा है, जिसकी वजह से अगर मैं सारी चीजें ओपन सब्ट्रैक्ट माइनस सब कुछ कर दूँ तो मेरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो -62,000 के आसपास आता है, क्योंकि बैंक्स आर इन अ बिजनेस ऑफ गिविंग आउट मनी, दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज नेगेटिव एंड इट डज नॉट मेक सेंस टू लुक एट फ्री कैश फ्लो इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग। तो फ्री कैश फ्लो हम यूज करते हैं बाकी सारी कंपनीज में अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस, एंड फ्री कैश फ्लो इज यूज इन योर DCF। तो गाइस द वे वी डू DCF एट SOIC इज अ बिट डिफरेंट because we like to understand the businesses first rather than the valuation first. क्योंकि DCF करने से क्या होता है कि आप लोग पहले DCF कर लेंगे and आप business को नहीं समझेंगे. Whereas this is what matters. Business is 99%, DCF is 1%. Business drives your DCF, not the other way around. DCF doesn't drive your business. तो एक बहुत अच्छी fallacy भी है psychology में जो हम use करते हैं, that is self-serving bias. Self-serving bias क्या है कि अगर मैंने DCF कर लिया और मेरे को कोई बिजनेस सस्ते पे मिल रहे हैं, राइट, बिजनेस की क्वालिटी भाड़ में गई, बिजनेस का ROIC भाड़ में गया क्योंकि वो मेरे को सस्ते पे मिल रहे हैं, तो आई विल फुलफिल माई सेल्फ सर्विंग बायस,
मैं वो बिजनेस खरीद लूंगा DCF यूज करके, जस्टिफाई करके. बट ऐसे बिजनेसेस में क्या होता है, लेट मी शो यू ऐसे बिजनेसेस में क्या होता है. तो NTPC नाम की एक कंपनी है जिसका ROIC इज क्लोज टू 5-6%. एंड इसका स्टॉक चार्ट अगर आप लंबे समय में देखेंगे तो इट इज लाइक अ फ्लैट डेट पेशेंट, राइट. अगर हम लंबे समय में देखेंगे तो स्टॉक चार्ट इज अ फ्लैट डेट पेशेंट. द रीजन बीइंग क्योंकि फ्री कैश फ्लो अबिलिटी बहुत हिंडर्ड है ड्यू टू लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, राइट. So guys, we have a unique 5-bucket approach in terms of free cash flow and ROIC, and that we'll come out with a few articles on our blog soon. So do like and do subscribe, and if you have any other video suggestions, do put it on the comment box. Thank you for joining.